पूरा आसमां खाली है, देर है तो बस आपके पंख फैलाने की। जी हाँ, मैं प्रियंका आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके लिए कुछ मोटिवेशनल और लर्निंग टिप्स लेकर। आज मैं आपसे अपनी इस वीडियो में आपसे बात करूंगी कि हमारा नजरिया और एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। तो ये है 5 पावरफुल टिप्स जो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी। पहला टिप, शेर की तरह बने, फोकस करें, शांति से सोचें और सही वक्त आने पर एक्शन लें। जैसे शेर अपने शिकार को पहले देखता है और फिर सही वक्त आने पर शिकार कर देता है, उसी प्रकार आपको भी फोकस बनाए रखना है। टिप नंबर 2, गिव अप ना करें। दोस्तों, बचपन में हमने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, बट सवाल यह है कि हमें उस कहानी से सीखने को क्या मिला। कछुए को पता था कि वह बहुत धीरे चलता है और खरगोश उसे बहुत तेज भागता है और वह उससे हार जाएगा। फिर भी कछुए ने हार नहीं मानी और अपना 100% एफर्ट्स लगाया और लास्ट में जीत उसी की हुई। इसलिए दोस्तों, एफर्ट गिव अप ना करें, अपना 100% जरूर दें। तीसरा पॉइंट, अपना विजन क्लियर रखें, टारगेट को फोकस करें, अपना विजन क्लियर रखें और उसे हासिल करने के लिए मुश्किलें तो बहुत आएगी लेकिन पीछे ना हटें। जैसे बाज अपना विजन क्लियर और स्ट्रॉन्ग रखता है, वह अपने टारगेट को काफी दूर से देखने की ताकत रखता है और उसे एक बार जब वह टारगेट डिसाइड कर लेता है तो वह उसे पाकर रहता है। तो दोस्तों, अपना टारगेट हमेशा फोकस में रखें और उसे पाने के लिए हमेशा कोशिश करें। फोर्थ टिप, अपने पास्ट में ना जाएं, पास्ट को सोच सोच कर परेशान ना हो, पास्ट में की गई गलतियों से सीखें। जो बीत गया सो बीत गया, वो वापस नहीं आएगा। जैसे सुबह के बाद शाम और शाम के बाद सुबह, नई सुबह आती है, उसी प्रकार बुरा वक्त भी ढल जाता है। इसलिए दोस्तों, पास्ट में ना जाए, अपने वर्तमान में जिए। फिफ्थ टिप, कंफर्ट जोन से बाहर निकले। जैसे फ्रेंड्स, एक चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो उन्हें उड़ने के लिए लेके जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो घोंसले में रहेंगे तो वो कंफर्ट रहेंगे, अगर तभी वो उन्हें कंफर्ट जोन से निकाल के बाहर उड़ाने लेके जाती है। इसलिए फ्रेंड्स, आप भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और मेहनत कीजिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।